प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार 24 अप्रैल को मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। जानकारी के मुताबिक लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के अंदर एक ही दिन में 3 लोकसभाओं में पहुंचेंगे। 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 बजे सागर में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद बैतूल पहुंचेंगे। बैतूल में कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री भोपाल आएंगे, जहां शाम 7:30 बजे उनका रोड शो होगा। पुरानी विधानसभा के सामने स्थित लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा से प्रधानमंत्री का रोड शो शुरू होगा। प्रधानमंत्री रोशनपुरा होते हुए अपेक्स सर्किल तक पहुंचेंगे। 1 किलोमीटर तक लंबे इस रोड शो के लिए यहां व्यापक तैयारियां की गई हैं। एयरपोर्ट से लेकर रोड शो के पूरे मार्ग में 2000 पुलिस अधिकारी तैनात किए जाएंगे। पुलिस कमिश्नर हरि नारायण आचार्य मिश्र ने इस मामले की जानकारी दी। इसको लेकर के पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था किया गया है। सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इसमें बैठकें हुई हैं और उन सभी संवेदनशील जगहों को चिन्हित किया गया है जो इस मार्ग में पड़ेंगे और व्यवस्था के लिए अपेक्षित हैं। इसमें आधुनिक तकनीक का भी प्रयोग किया जाएगा और साथ ही साथ सुरक्षा संबंधी जो उच्चतम मापदंड हैं उनका पालन इसमें किया जा रहा है। इसमें लगभग 2000 से ज़्यादा का अतिरिक्त बल लगाया जा रहा है। साथ ही साथ हम जानते हैं कि SPGB भी सुरक्षा व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण घटक होती है और इसके साथ ही साथ लगभग 25 वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी इस पूरी व्यवस्था को संभालने में लगे रहेंगे। सर, कितने लेयर में सुरक्षा होगी? यह पूरी व्यवस्था त्रिस्तरीय होगी। इसमें अलग अलग सुरक्षा व्यवस्था के जो मापदंड, हम जानते हैं कि इस तरह की VIP की सुरक्षा व्यवस्था में उसकी एक अलग SOP होती है और उस SOP का पूर्णतः पालन सुनिश्चित किया जाएगा। ड्रोन कैमरे और जो दूसरे तकनीकी संसाधन है, उस समय तो ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल चूंकि प्रतिबंधित रहता है, लेकिन पूर्व में हम लोग जो आकलन कर रहे हैं और पूरे मार्ग का जो निरीक्षण कर रहे हैं उसे पूर्व में जरूर उसका उपयोग किया जाएगा और साथ ही साथ पूरे मार्ग में और अलग अलग जगहों पर जो सुरक्षा के हिसाब से जो अपेक्षित व्यवस्थाएं हैं उनको निश्चित तौर पर उनका पालन किया जाएगा। हाँ, उसमें सुरक्षा के अलग अलग कई मानक हैं, जिसमें हाई राइज बिल्डिंग भी हैं, लोगों की तैनाती भी है, सुरक्षा के जो बैरिकेटिंग है, साथ ही साथ बल की तैनाती है। इन सारे बिंदुओं पर पुलिस बेहतर ढंग से काम करती है। सुरक्षा संबंधी जो पुलिस का एक SOP होता है, इसमें सुरक्षा संबंधी बारीक से बारीक बातों का चाहे मूल्यांकन हो, चाहे सुरक्षा संबंधी आकलन हो, सावधानियाँ हों, तकनीक का उपयोग हो, उन सारे बिंदुओं पर पुलिस काम कर रही है। बहुत सारे ऐसे मानक होते हैं जिनको सुरक्षा कारणों से शेयर नहीं किया सकता, लेकिन पुलिस उस पूरी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के गंभीरता से काम कर रही है। बाहर से जो भी व्हीकल्स आएंगे और खासतौर पर ट्रैफिक का हम प्लान अलग से जारी कर रहे हैं, जो उसमें कुछ आंशिक जो उस दिन बदलाव होंगे एहतियात में, उसको लिए अलग से हम लोगों ने जारी किया है। और साथ ही साथ जो अलग अलग इलाकों से जो वाहन इस तरह के आएंगे उनके भी पार्किंग के लिए अलग व्यवस्था की गई। सर, होटल्स हैं, लॉज हैं, इनकी किराएदार हैं? सर, होटल, किराएदार, विभिन्न तरह के जो इस तरह के ठहरने वाले जगह हैं, उन सभी जगहों पे पुलिस की चेकिंग जारी है। सर,